हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्रेशन। मैं भाई, हम ले आए हैं भाई ब्लैक कलर की अपनी स्कॉर्पियो। कल ही परचेज़ किया भाई। आज हम करने वाले इस पूरी गाड़ी का ओवरव्यू देखेंगे और पूरा रिव्यू करेंगे गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये अपना बेस वेरिएंट है, 7 सीटर डीजल मैनुअल। तो सबसे पहले भाई चाबी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसी भाई कुछ इसकी की आती है, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं, कुछ नहीं। दोनों चाबियाँ इसकी ऐसी आती है। टॉप एंड वेरियंट में सेंटर लॉकिंग आती है यहाँ पर, और ये पार्ट क्रोम का होता है। बात कर लेते हैं फ्रंट से भाई। ये ब्लैक फिनिश में आती है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ग्रिल, और टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे क्रोम आता है। हेडलाइट की बात करते हैं, टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे अपना आता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और इसमें अपनी नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स ही आती हैं बस। नीचे टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे DRL फॉग लैम्प, इसमें कुछ भी नहीं आता। और भाई बेस वेरिएंट में सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, इसमें ये मैट फिनिश में आता है। ये अलग से करवाना पड़ता है हमें, बॉडी कलर पेंट पूरा मैट फिनिश में आता है। ये साइड क्लाइडिंग पूरी, अगला पिछला बम्पर, और 17 इंची के रिम्स आते हैं। अलॉय भी इसमें 17 इंची के ही आते हैं, बाहर से अलॉय लगवा सकते हो। इसमें सेम इसी टायर में अलॉय फिट हो जाएंगे। टायर साइज बताऊं, 235/65 R70। भाई बात करते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो टॉप एंड वेरिएंट में भी इंडिकेटर यहीं पे ही आते हैं, अब साइड ग्लास पे नहीं आते, पहले आते थे। हैंडल बार्स भी इसके पेंट करवाने पड़ते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में ही आते हैं। कोई फुट स्टेप नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो एसेसरीज़ का पार्ट है। ना रूफ रेल्स आती है भाई, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। स्पॉइलर भाई अभी इसमें लगानी है, वो भी एसेसरीज़ का ही पार्ट होता है। पीछे की प्रोफाइल पे आ जाते हैं, ऐसी कुछ अपनी पीछे की प्रोफाइल है। टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे अपना रियर वाइपर मिल जाता है, डीफोगर्स मिल जाते हैं। पीछे वाले जो ब्रेक लैंप होता है, टॉप एंड वेरिएंट में भी ऐसा ही आता है। पहले आता था वो लंबा वाला, वो अब आफ्टर मार्केट ही लगता है सिर्फ। पार्किंग सेंसर बेस वेरिएंट में भी मिल जाते हैं, पीछे से तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इस साइड भाई अपना डीजल का है फ्यूल लिड, और दूसरी साइड इसमें दोनों साइड मिलता है, और दूसरी साइड इसमें ये अपना एड ब्लू वाला है। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है भाई ये। जैसे ब्रेक लाइट वगैरह पे क्लच छोड़ देते हैं तो बंद हो जाती है गाड़ी, फिर क्लच प्रेस करके गियर डालते हैं तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। डीजल इंजन आता है भाई इसमें, एम हॉक का 2200 cc का, 7 सीटर की कैपेसिटी के साथ आती है। भाई बात करें एवरेज की, तो कंपनी इसकी क्लेम करती है 16 से 17 के बीच में। हाईवे पर जो है 2200 cc का इंजन है डीजल में। फ्यूल टैंक की बात करें तो भाई इसका 55 से 60 लीटर के बीच में, मतलब कल ऑलमोस्ट इसमें 5000 रुपये का डीजल आ गया था। और भाई इस गाड़ी में आता है अपना रियर व्हील ड्राइव, इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं आता, इसमें रियर व्हील ड्राइव ही आता है। एक और चीज़ भाई, बेस वेरिएंट में यहाँ पे एंटीना नहीं आता, टॉप एंड वेरिएंट में एंटीना भी आता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं आता। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ गाड़ी में। जैसा कि मैंने बताया, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं आती, चाबी से ही आपको अनलॉक करनी पड़ती है। सबसे पहले भाई डोर देख लेते हैं। इसमें डोर का गत्ता आता है, डोर वाला पैनल नहीं आता बेस वेरिएंट में, वो भी आपको बाहर से ही लगवाना पड़ता है, 28-30 हज़ार रुपये में लग जाता है। हाँ, पावर विंडो इसमें ज़रूर आती हैं, पावर विंडो पर बीच में दी हुई होती है, यहाँ पे कप होल्डर का कोई स्पेस नहीं आता। बात करते हैं साइड मिरर की, तो ये भी भाई मैनुअली एडजस्टेबल आते हैं। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक करवाने होते हैं तो वो भी आफ्टर मार्केट हो जाते हैं, वो यहाँ पर हो जाते हैं अपने। फ्यूल लिड का यहाँ पे है, इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला जो माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी उसका आपको ऑन ऑफ करने का स्विच यहाँ पे मिल जाता है। ये हेडलाइट लेवलर। सीट्स में भाई हाइट एडजस्टमेंट का नहीं आता, सिर्फ रिक्लाइनिंग का आता है। डेड पेडल भी मिल जाता है भाई इसमें। रात में भाई ये एक जहाँ पे अपने चाबी लगाते हैं ये भी ग्लो करता है। अब आ जाते हैं भाई पीछे वाले डोर की तरफ। पीछे भी भाई डोर पैनल नहीं आता, पीछे तो पावर विंडो का भी नहीं आता, सिर्फ बीच से ही कंट्रोल होती है। ये भाई कुछ बीच की स्पेस बहुत है गाड़ी में भाई। पीछे एसी वेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, थोड़ा सा स्पेस। और भाई चार्जिंग सॉकेट पीछे नहीं आता, ये भी आपको बाहर से ही लगवाना पड़ेगा बेस वेरिएंट में। काम तो भाई इसमें बहुत करवाना पड़ता है बेसिकली, बट हाँ वही बात है, अगर बेस वेरिएंट के प्राइस की बात करें तो ये अपने को पड़ जाती है 15.5 के आसपास, और टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो भाई 21 लाख से भी प्लस जाती है। 5-5.5 लाख रुपए का फ़र्क है, और बाहर से यही काम आप 1.5 से 2 लाख रुपए में पूरी टॉप एंड वेरिएंट करवा सकते हो, सिर्फ अपना डीफोगर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट ऑटोमेटिक तो उसमें भी नहीं आता, सिर्फ क्लाइमेट कंट्रोल आता है उसमें। अब चलते हैं भाई पीछे की तरफ।
सीटिंग कैपेसिटी भी इसमें अपने को दो मिल जाती है। एक तो बीच में जो कैप्टन सीट्स आती हैं उसमें पीछे वाली सीट जो जैसे ये बीच में है ना वो पीछे आती है, और बीच में दो कैप्टन सीट्स आती हैं आगे वाले की तरह। इसमें भाई फोल्डेबल वाली सीट भी मिल जाती है पीछे, इसमें स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है। ऐसा कुछ अपना पीछे का डोर है। इसमें भाई कैमरा भी लगवा सकते हो, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। कैमरा टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं आता, वो भी एसेसरीज का ही पार्ट। जो डीजल का फ्यूल लिड है ये हम पीछे से भी खोल सकते हैं दोनों तरफ से, पुल टू ओपन लिखा हुआ है। इसको खींचते हैं तो अपना ये खुल जाता है, और इसको खींचते हैं तो अपना एड ब्लू वाला खुल जाता है। यहाँ पे अपना एड ब्लू डलता है DEF, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। कोई डिफोगर नहीं आते भाई पीछे, ना कोई वाइपर आता है इसमें। ये वाली लैंप भाई इसमें भी यही आती है, और टॉप एंड वेरिएंट में भी यही आती है। पीछे की बात करें भाई कोई स्पीकर्स नहीं आते, स्पीकर्स भी इसमें यहीं पे ही लगते हैं। और स्पीकर्स की ही बात करें तो इसमें बीच वाले डोर पे भी कोई स्पीकर नहीं लगते भाई, सिर्फ आगे वाले दोनों डोर्स पे ही स्पीकर लगते हैं। भाई जो नई वाली ये क्लासिक है, इसके अंदर अपने को ऊपर पहले ब्लैक फिनिश में मिला करते थे, अब अपने को रेड फिनिश में मिलते हैं। जलते ये भी नहीं है ना टॉप एंड वेरिएंट में ना बेस वेरिएंट में, बस ये थोड़ा सा इसको अपग्रेड करने के लिए इसमें पुरानी वाली स्कॉर्पियो की तरह ऊपर रेड लाइट सी दे दी, बट चलती ये भी नहीं है। ये वाली विंडो भाई अपने साइड में ही खुलती है थोड़ी सी बस। भाई ऐसी कुछ लगती है स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट अंदर से, बिल्कुल बेसिक आती है भाई, कोई चीज़ें नहीं आती, ना ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आता है, ना साइड ग्लास ऑटो एडजस्टेबल, कुछ नहीं, सारी चीज़ें आपको बाहर से करवानी पड़ती हैं। हाँ स्पेस गाड़ी में बहुत है भाई, रीडिंग लैंप्स तो आ जाती हैं बीच में। भाई ऐसा कुछ अपने को स्पीडोमीटर मिलता है, बीच में छोटी सी स्क्रीन मिलती है, और एक साइड RPM मीटर दूसरे साइड स्पीडोमीटर। स्टार्ट करते हैं, इस साइड अपने को टेम्परेचर, इस साइड अपना डीजल। 136 किलोमीटर चल चुकी है भाई गाड़ी। DEF की लाइट यहाँ पे आती है जो अपना एड ब्लू होता है। कोई जैसा कि मैंने बताया था कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, नॉर्मल AC का आता है। यहाँ पे भी पेन ड्राइव वगैरह की कोई वो नहीं मिलती भाई, वरना यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पेन ड्राइव और चार्जिंग सॉकेट का वो मिलता है। चार्जिंग सॉकेट इसमें एक यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है इसमें, और भाई रिवर्स भाई यहीं से डलता है, ये चीज़ ऊपर करके अब रिवर्स डल गया। पार्किंग सेंसर इसमें आते ही हैं, ये अपना हैंड ब्रेक, बीच में पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये अपना फ़ोन रखने की स्पेस दी हुई है। और भाई टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग आती है, इसमें मैट ब्लैक आता है बिल्कुल। स्टीयरिंग की बात कर ले भाई, कोई लेदर रैप नहीं आता इसमें, कोई स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं आते टॉप एंड वेरिएंट में। ये चीज़ भी अपने को ग्लॉस ब्लैक में ही मिलती है, इसमें अपने को मैट ब्लैक मिलती है। ये साइड वाली चीज़ भी ग्लॉस ब्लैक मिलती है, यहाँ पे मैट ब्लैक में ही मिलती है। ना यहाँ पे अपना सन ग्लास होल्डर है ना कुछ, सन ब्लाइंड पे अपने को मिरर मिल जाता है। लेदर सीट अपॉल्स्ट्री तो नहीं है, बट हाँ काम चलाओ सीट्स दे रखी हैं। बात कर लेते हैं इसकी स्पेस, तो भाई ये बहुत कम है, ना ये कूल्ड है, और बहुत कम स्पेस है इसके अंदर। अब चलते हैं भाई बाहर, एक तो भाई गाड़ी बंद होने के बाद में भी ये आपका जो फैन होता है ना वो चलता ही रहता है, आवाज़ आ रही होगी आपको, और ये थोड़ी देर बाद बंद होगा, देखो अब ये बंद होगा। ऐसा कुछ था भाई अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक S मॉडल का रिव्यू। अब इसके बाद भाई रिव्यू आएगा जिसमें हम इसको पूरा टॉप मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, इसमें अलॉयज लगेंगे, पूरी तरीके से इसको टॉप एंड वेरिएंट बना देंगे। उसके बाद इसका एक और रिव्यू आएगा, फिर हम कंपैरिजन करेंगे क्या क्या चीज़, और उसमें हम प्राइसिंग भी बताएंगे क्या क्या चीज़ कितने रुपए की लगी है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।